नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। यूपी के रायबरेली में पुलिस की मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर उस समय सामने आई जब पीएससी कॉलोनी के पास बने पोस्टमार्टम हाउस के पास लावारिस लाशों को नाले में फेंक देने के मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष प्रकट किया। करीब के गांव के निवासी ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी लावारिस शवों को नाले में 1 फीट गहराई के अंदर ही दफन कर देते, जिससे शवों के आधे से अधिक अंग दिखाई पड़ते हैं और आवारा कुत्ते उन शवों को नोच कर गाँव में ग्रामीणों के घरों के सामने छोड़ देते। इसकी शिकायत पीएम हाउस के चिकित्सकों से लेकर उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। दरअसल पूरा मामला बीएससी कॉलोनी के पास बने पोस्टमार्टम हाउस के पास ही गजोधरपुर गांव का पोस्टमार्टम के सामने मुश्किल से 70 या 50 मीटर की दूरी है। यहाँ पे गंदा नाला के सामने पड़ता है, पोस्टमार्टम के सामने गंदा नाला पड़ता है। इस गंदा नाले में यहाँ 1 से 1.5 फीट की खुदाई में यहाँ लाश को दफन कर देते हैं और लाश के हाथ पैर सब कुछ दिख रहे हैं, हाथ पैर सब दिख रहे हैं। इनको कुत्ते लेकर जाते हैं गजोधरपुर गाँव लेके जाते हैं। गांव ले जाने के बाद दरवाजे छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। खाना खाने अगर खाना खा बैठ खाने बैठ गए दोबारे पर यहाँ समझो सर जी, बाहर रखी लाश रखी है, हड्डी रखी, हाथ रखा तो आप खाना हजम हुई। ये सारी प्रॉब्लम है। यहाँ के अधिकारी हैं, पैसा देते हैं इनके दफन करने के लिए। यहाँ जो दफन करते हैं इनका पैसा दिया जाता है। 1 फुट 1.5 फुट खोदने के बाद तो चले गए, अधिकारी देखते भी नहीं है। कितनी बॉडी है यहाँ पे दिखी है आपको? अभी 4 बॉडी दिखी है यहाँ पे, 4 से 5 और भी हैं। जो आप लोगों ने कहीं शिकायत की? हाँ शिकायत किया, लेकिन यहाँ कोई मतलब ही नहीं। यहाँ के कई लोगों ने शिकायत किया जो यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर आते हैं, अधिकारी आते हैं, जो मेन में अधिकारी आते हैं, इनको हमने शिकायत भी किया, कोई मतलब नहीं निकला, कोई मतलब ही नहीं। आते हैं सुनते हैं चले जाते हैं।